अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ऑनलाइन ताबीज़ यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, बहुत लोगों को देखते हुए, बहुत लोगों की मैसेजों को, कमेंटों को देखते हुए आज आपकी खिदमत में एक ऐसा नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ दौलत को हासिल करने का। अगर आप लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, पैसे में बरकत नहीं है, पैसा बिल्कुल पास में नहीं आता है, आप लोग परेशान हैं, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, आप लोग चाहते हैं कि मेरे कारोबार में इतनी बरकत होने लगे, मेरे पास पैसा आने लगे, तो आज की इस वीडियो में आपको जो नक्श बताने वाला हूँ ये गरीबी को बिल्कुल घर से मिटा देता है, जड़ से ख़त्म कर देता है, कारोबार में और काम वगैरह में इतनी बरकत कर देता है, आप लोगों के पास इतना पैसा आने लगेगा, आपके पैसे में, रिज्क में इतनी बरकत हो जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। करना क्या होगा, एक इस तरीके का जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके का नक्श होगा। ये बहुत ही पावरफुल नक्श है, इसको कोई मामूली नक्श ना समझे, इसमें करना कुछ नहीं है। अभी मैं आपको इसको पूरा बनाकर दिखाऊंगा, जब ये पूरा बन जाएगा उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाकर आप लोग अपने घर के अंदर चावलों का जो डिब्बा होता है जिसमें आप लोग चावल रखते हैं उसमें इसको ले जाकर डाल दें, और चंद दिनों बाद इसका कमाल देखें कि कैसे ये आपके घर में बरकत करने लगता है, कैसे ये आपके पैसे में, आपकी दौलत में दिन रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पास दौलत ही दौलत हो जाएगी। बहुत लोगों का आजमाया हुआ ये नक्श है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले करना क्या होगा, इस तरीके का एक कागज़ ले लेना है आप लोगों को, ठीक है, सफ़ेद कागज़ इस तरीके का आपको लेना होगा। उसके बाद इस तरीके से एक आप लोगों को डिब्बा बनाना होगा, बॉक्स तैयार करना होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, एक बॉक्स बाहर से बनाना है, उसके बाद एक दूसरा बॉक्स इसके अंदर बनाना है, फिर इस तरीके से यहाँ पे लाइनें खींच देनी है, एक बीच में लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद देखना है आप लोगों को करना क्या है। सबसे ज़रूरी बात अब आती है, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे 7, 8, 6, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग लिख दें 786, 786 लिखने के बाद आपको इसमें लिखना अलिफ, इसमें लिख देना लाम, ठीक है, यहाँ पर अलिफ लिख दें, यहाँ पर लाम लिख देना, उसके बाद यहाँ पर लिखना है मीम, और यहाँ पर आपको लिख देना है मीम, उसके बाद आपको इस वाले में लिख देना है हा, इसमें लिख देना हा, और यहाँ पर आपको लिख देना है रे, और यहाँ पर आपको लिख देना है रे। इस तरीके से आप लोगों को इसको आप लोग तैयार करना होगा, जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से आप लोग इसको बनाएंगे। उसके बाद आप लोग क्या करना है, अब मैं आपको बता दूं, इसको इतना निकाल लेना है, ठीक है, इसका जो खाली खाली जो कागज़ बचे उसको बाहर कर दें, सिर्फ इसको इतना निकाल लें, ठीक है। इतना निकालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको कोई भी बना सकता है, औरत भी बना सकती है और मर्द भी इसको बना सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें इसको खाली मर्द ही बना सकते हैं, इसको औरत भी बना सकती है और इसको मर्द भी बना सकता है, ठीक है। इस तरीके से इतना नक्श आप लोग निकाल लेंगे, इतना नक्श निकालने के बाद इसको क्या करना है, देखिए इस तरीके से इसको आपको मोड़ लेना है, इस तरीके से, ये इस तरीके से मोड़ लिया, ये मोड़ा और ये मोड़ लिया इस तरीके से। इसको मोड़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इस पर या तो आप लोग काला धागा लपेट दें, या आपके पास टेप होगा काला, आप लोग इस पर काला टेप लपेट दें, या सफ़ेद टेप है सफ़ेद टेप लपेट दें, या काला धागा कोई से भी कलर का धागा हो आप लोग इस पर लपेट दें। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसको ले जाकर आप लोग घर में जिस जगह पर चावल रखते हैं, यानी जो घर में हर किसी के घर में चावल किसी ना किसी चीज़ में रखे जाते होंगे, उसमें ले जाकर आप लोग किचन वगैरह में ले जाकर इसको उन चावल के डिब्बे में डाल दें, और चंद दिनों बाद आप लोग कमाल देखें कि कैसे आपके घर में पैसे में बरकत होने लगती है, आपके पास दौलत ही दौलत हो जाती है। इसको आप लोग पूरे दिन में किसी भी वक्त बना सकते हैं और किसी भी दिन आप लोग इसको बना सकते हैं, इसको लेकिन पाक साफ हालत में नहा धोकर आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि पाक साफ हालत में और नहा धोकर ही इसको आप लोगों को बनाना है, और किसी भी दिन से इसको बना सकते हैं आप लोग, किसी भी वक्त बना सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि इसको आप लोग जो है किसी ऐसी जगह पर न डाल दें, ऐसा ना करें कि थोड़े दिनों चावलों के डिब्बे में रखा फिर किसी ने इसको निकाल कर फेंक दिया। इस बात का ख्याल रखें कि इसको उसमें ही पड़े रहने दें, चावलों का डिब्बा खाली हो जाए इसको पड़े रहने दें, इसके ऊपर से फिर से आप लोग चावल डाल दें घर के अंदर, लेकिन इसको किसी गंदी जगह पर ना फेंकें। अगर आप लोग इसको घर से निकालना चाहते हैं तो इसको किसी मिट्टी वगैरह में या पानी में ले जाकर आप लोग डाल दें या मिट्टी में दफना दें इसको, ठीक है, लेकिन ऐसे उल्टी सीधी जगह पर ना फेंकें वरना इसकी बेइज्जती होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको बनाना चाहते हैं, आपका जायज़ जो है, आप लोग चाहते हैं कि आपके कारोबार में बरकत हो जाए,
तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें और इसको पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप लोग बनाएं। आप लोग देखें कि कैसे आपके पैसे में, दौलत में बरकत होने लगती है, आपके पास दौलत ही दौलत हो जाती है चंद दिनों का कमाल इसको बनाने के बाद, आप लोग ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल की इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, अल्लाह हाफिज़।